जन्माष्टमी के पावन पर्व पर पश्चिम उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक अघोरनाथ मंदिर में भव्य तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। आस्था के इस महापर्व को लेकर मंदिर प्रशासन द्वारा मंदिर से बाहर भी लाइटिंग की बेहतर व्यवस्था की जा रही है। वहीं भगवान श्री राधा कृष्ण के लिए एक बंगला फूलों का बनाया जाएगा, जो कि वृंदावन में जो कारीगर फूलों का बंगला तैयार करते हैं उन्हीं कारीगरों को विशेष तौर पर बुलाया गया है। इसी तरीके से गत वर्ष भी लाइट की व्यवस्था की गई थी, जो कि आप विजुअल्स में देख सकते हैं, और लाखों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु बाबा अघोरनाथ मंदिर में आकर राधा कृष्ण के दर्शन करते हैं। मान्यता है कि राधा कृष्ण की जो भी सच्चे मन से पूजा आराधना करता है उनकी सभी मनोकामनाएँ पूर्ण होती हैं। ऐसे में हमारे साथ मंदिर समिति के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर एम के बंसल हैं, उनसे जानना चाहेंगे क्या पूरी प्रक्रिया रहेगी। पहुंचते हैं किस तरह का कार्यक्रम रहेगा और क्या खास है? सबसे बड़ी बात यह है कि जो जन्माष्टमी है, कृष्ण जी हमारे भगवान हैं, उनका जन्म उत्सव मनाया जाता है और बहुत ही उत्साह रहता है हमारे भक्तों के अंदर। हजारों ने लाखों की संख्या में दर्शन करने आते हैं हमारे राधा कृष्ण जी के, राधा गोविंद जी के। तो इसके लिए सबसे पहले व्यवस्था तो हम बैरिकेडिंग की करते हैं, क्योंकि जब इतने भक्त आते हैं तो उन्हें शांति से हमारे राधा गोविंद जी के दर्शन हो। तो उसके लिए हम गरुड़ द्वार, जो हमारा गरुड़ द्वार है, उस गरुड़ द्वार पर डबल लेन की बैरिकेडिंग करते हैं, ताकि भक्त लोग आराम से आए और दर्शन में कोई धक्का मुक्की ना हो। दूसरी सुंदरता के लिए मंदिर, उसके लिए लाइट की व्यवस्था हमारी चल रही है पूरे मंदिर मार्ग पर, और आपके MH रोड पर जो हमारे मंदिर के सामने है उस पर पूरी तरीके से बैरिकेटिंग, सड़कों पर लाइट, ताकि हमारी लाइटें, चाहे लाइट चली भी जाएगी तो रात भर हमारी लाइटें जलती रहेंगी, ताकि हमारे भक्तों को प्रकाश की कोई भी परेशानी ना हो। और लाइट से भी हमारा डेकोरेशन पूरा होना है, हो चुका है। दूसरा, फूलों की डेकोरेशन वृंदावन से हमारे जो कारीगर हैं वृंदावन से आएंगे, जो बाकी बिहारी के मंदिर की जो फूल बंगला सजाते हैं वही कारीगर हमारे मंदिर परिसर में आकर के वो काम करना शुरू कर देंगे फूलों से। तो 6 और 7 की हमारी जन्माष्टमी है, तो 6 तारीख को हमारे कृष्ण जी की जो जन्म होगा, उसके बाद आरती होगी, आरती के बाद हमारा प्रसाद वितरण होगा, और अगले दिन दंड उत्सव कृष्ण जी का पूर्ण उत्साह से पालकी भी सजेगी चांदी की, और उसमें बच्चों के लिए, क्योंकि वो नंदोत्सव है, बच्चों का इसमें खास तौर से हमारी कार्यकार ध्यान रखती है। तो बंसी है, गेंद है, इस तरीके का हमारा बच्चों के लिए वितरण रहता है प्रसाद के साथ साथ।